जय हिंद, वेलकम टू एयरफोर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे एक बिंदु पर किसी भी फलन का वृद्धिमान या ह्रासमान फलन। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि वे फलन वृद्धिमान है या ह्रासमान है, या निरंतर वृद्धिमान या निरंतर ह्रासमान है। लेकिन अगर आप सभी फंक्शनों के ग्राफ जानते हैं तब। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन पांचों कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई आप फंक्शन ले लें तो आप सभी फंक्शनों का ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि जितने ऐसे कुछ फंक्शन हैं कि बड़े इजीली तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, तो उनका आप ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन ग्राफ के अकॉर्डिंग या वृद्धिमान है या ह्रासमान है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, तो आपको बस केवल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको ये पांचों कंडीशन याद रखनी है। इन पांचों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं किसी फलन का। अगर मान लीजिए कोई फलन बताना है आपको कि वृद्धिमान है, ह्रासमान है, किस अंतराल में है, तो इनके माध्यम से बता सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये भी बताऊंगा, जब ये पांचों कंडीशन आप कर लेंगे क्लियर, तो पांचों कंडीशन में इनक्वालिटीज यूज होती हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत वो इनक्वालिटीज भी समझनी है कि अगर एसएमई का दे रखी है तो उसे कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, फंक्शन क्लोज इंटरवल में वृद्धिमान फलन है यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। देखिए, यहाँ पर एक नाम आया है वृद्धिमान फलन और एक होता है निरंतर वृद्धिमान फलन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन लास्ट वीडियो में बता दी थी कि जब वृद्धिमान फलन होगा तो केवल उसका ग्राफ बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए इक्वल भी रह सकता है। तो ऐसे ग्राफ बढ़ते हैं, कुछ इक्वल रहते हैं, वो वृद्धिमान फलन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, ऐसे फलनों के ग्राफ बनते हैं जो केवल बढ़ते ही बढ़ते रहते हैं लगातार, तो उन्हें निरंतर वृद्धिमान के अंतर्गत रखा जाता है। तो सेम कंडीशन ह्रासमान के लिए भी सेम ही है। और सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन ए कोमा बी में ह्रासमान है यदि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। और तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन ए कोमा बी ओपन इंटरवल में निरंतर वृद्धिमान है। देखिए, यहाँ पर निरंतर की वजह से यहाँ ओपन इंटरवल आ रहा है, केवल इस इंटरवल के अंतर्गत निरंतर है फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा b। और फोर्थ कंडीशन है, फंक्शन a कोमा b में निरंतर ह्रासमान फलन है यदि f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा b। देखिए, ये इंटरवल जो आ रहे हैं, जब हम इनके डिफरेंशिएशन करेंगे और जब लेस देन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वहां पर अंतराल बनेंगे, तो अंतराल जो है वो ओपन इंटरवल ही आने हैं, इसलिए कंडीशन यहाँ पर शो की गई है। और पांचवी कंडीशन है, ऐसे भी फंक्शन होते हैं ना तो वृद्धिमान होते ना ही ह्रासमान होते, तो उनकी क्या कंडीशन होती है? अगर जैसे ही आप कुछ फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली वो जीरो आ जाता है, तो ऐसे वाले फंक्शनों को बोला जाता है ना तो वृद्धिमान है वो, ना ही ह्रासमान है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। और देखिए, इन्हें करने के लिए बड़ी समस्या आती है कि ये इंटरवल में कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए मैं आपको एसएमई का के बारे में बताता हूँ। आइए, यहाँ पर एक एसएमई का है, x माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसे सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर एसएमई का बनेगी कैसे, जब आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप एक फैक्टर में कर लेना। जब आप फैक्टर में करेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, लेकिन उस क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछेगा कि किस अंतराल के लिए वृद्धिमान है या ह्रासमान है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप एसएमई का को इसे समझिए। तो यहां पर एसएमई का एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप एक वास्तविक संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एसएमई का है तो एसएमई का ऐसे प्रदर्शित तो हो नहीं सकती, तो आपको एक काम करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, टू। जब आप इसे इक्वल टू जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी टू और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइव। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ रखेंगे प्लस इन्फाइनाइट, तो यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू टू
और एक्स की वैल्यू 5। एक बात का ध्यान रखेंगे, छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ रखनी है और बड़ी वैल्यू किसकी तरफ रखनी है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस समझिए, प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लिख रहा हुआ है गुणनखंड की घातें। अगर गुणनखंड की घातें सम आ जाती हैं, देखिए यहाँ पर सम आ जाती हैं, तो प्लस का प्लस रहेगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सम, सम का मतलब समान यानी कि सेम, तो देखिए यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा और माइनस का माइनस रहेगा। लेकिन पिछला चिन्ह देखकर, ये पिछला चिन्ह किसकी बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ पर एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक्स दिखाई दे रहा है, ये पहले आपको पॉजिटिव करना है। अगर किसी वजह से ये 5 माइनस एक्स है तो आप उसे माइनस से डिवाइड करके एक्स को पहले कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जब एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखना है इधर से लेफ्ट से राइट से चलना है, तो इधर प्लस चिन्ह लगाना है। जब प्लस चिन्ह लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर 5 है, ये 5 कहाँ से आया है, ये 5 इस फैक्टर में से आया है। और इस फैक्टर की पावर कैसी है, विषम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर विषम घात है तो पिछला चिन्ह देखकर, पिछला चिन्ह कौन सा, ये वाला, देखिए इधर पिछला रहेगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे रह जाएगा। तो पिछला चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो पिछला चिन्ह देखकर प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस का हो जाता है प्लस। तो पिछला चिन्ह कैसा है, प्लस, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, गुणनखंड की घात है, विषम है, तो पिछला चिन्ह देखकर हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 से बात करेंगे, यहाँ पर 2 कहाँ से आया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इस गुणनखंड की पावर कितनी है, सम। तो जब सम घातें होती हैं गुणनखंड की, तो देखिए प्लस का प्लस होता है और माइनस का माइनस, यानी पिछला चिन्ह देखकर, तो पिछला चिन्ह कौन सा है, जस्ट पिछला, यानी कि माइनस, तो माइनस का क्या होगा, ये माइनस होगा। अब देखिए इसका हल कैसे लिखना है, असमीका का हल। अब देखिए यहां पर एक बड़ी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनक्वालिटीज देखनी है, यहाँ इनक्वालिटीज कैसी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 से बड़ा कौन कौन सा मान है, एक 0 से बड़ा ये वाला घेरा, तो आप इसे डार्क कर देंगे। अब यानी कि असमीका का हल कितना आया है, 5 से लेकर इनफाइनाइट, और हमेशा याद रखना इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल ही आता है, लेकिन ये 5 को देखना है कि क्लोज आना है या इंटरवल ओपन आना है। तो देखिए 5 यहाँ पर कैसा है, इनक्वालिटीज यानी ग्रेटर देन इक्वल है, और जब ग्रेटर देन इक्वल होती है तो बड़ा इंटरवल आएगा यहाँ पर, यानी कि इस असमीका का हल हो गया 5 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कि 5 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल। मैंने यहाँ पर असमीका का दूसरा टाइप लिया है, असमीका है x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बताया था जब आपको यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x के बराबर, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से 4 और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 7। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू जो छोटी है वो सबसे पहले आपको माइनस इनफाइनाइट की ओर रखनी है, तो माइनस का 7 आप यहाँ रखेंगे, उसके बाद 3 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ। और एक बात और बताई थी मैंने, जब आपको कोई भी नंबर इधर दे रखा है तो राइट हैंड की ओर आपको प्लस चिन्ह लगाना है। और देखिए आप 4 देखेंगे, 4 ये 4 कहाँ से आया है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसके फैक्टर है, फैक्टर की पावर कितनी है, 2, यानी कि सम है। तो पिछला चिन्ह देखकर यानी कि प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस, यानी कि सेम चिन्ह रहना है, तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस। और देखिए यहाँ पर 3 कहाँ से है, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, इसकी पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस। और माइनस का 7 की पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर हो जाएगा माइनस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर इनक्वालिटीज कैसी है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन मतलब कौन सा इंटरवल आएगा लेस देन का, यानी कि माइनस वाला, तो ये सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर असमीका का हल आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, असमीका का हल ना लिखकर, एक्स बिलोंग्स टू
माइनस सेवन से लेकर कितना थ्री। अब देखना है आपको कि इसमें क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन, तो क्लोज इंटरवल या ओपन यहाँ की कंडीशन को देख कर आते हैं। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का निशान भी है, तो इक्वल का निशान है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। आइए तीसरे टाइप की असमीका को समझते हैं। x माइनस फाइव की पावर सिक्स और x प्लस थ्री की पावर थ्री और x प्लस टू और ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से x की वैल्यू फाइव आएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस थ्री और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू। तो एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव या छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर रखनी है। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू माइनस के थ्री है, उससे बड़ी वैल्यू है कितनी माइनस टू और उससे बड़ी कितनी है फाइव। तो एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाना है, क्योंकि जब एक्स आपके सभी पॉजिटिव हैं तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइव है, ये फाइव कौन से फैक्टर से आया है, एक्स माइनस फाइव की पावर कितनी है सिक्स, यानी कि इसकी वर्णखंड की घात कैसी है सम। तो पिछला चिन्ह देखकर क्या हो जाता है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। तो पिछला चिन्ह क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस का प्लस रहेगा। और माइनस टू का फैक्टर देखिए, माइनस टू इस फैक्टर में से आया है तो इसकी पावर कैसी है विषम। तो पिछला चिन्ह देखकर चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लस का तो हो जाता है माइनस और माइनस का हो जाता है यहाँ पर प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस थ्री इस फैक्टर में से आया है तो इसकी फैक्टर की पावर कैसी है विषम है। तो पिछला चिन्ह देखकर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेटर मतलब किससे, जीरो से, तो पॉजिटिव नंबर लिए जाएंगे। देखिए पॉजिटिव एक ये है, इसको सेट कर दीजिए, एक पॉजिटिव यहाँ पर ये है अंतराल, इसको सेट कर दीजिए और एक पॉजिटिव ये है। तो देखिए जब आप असमीका का हल लिखेंगे x belongs to, तो अब एक बात और बता देता हूँ, वहां पर केवल एक ही अंतराल आ रहा था इसलिए आप यूनियन यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक से ज्यादा अंतराल आ रहे हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल आएगा, ये हमेशा आता है, चाहे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल हो चाहे लेस देन इक्वल हो, कैसी भी कंडीशन हो तो यहाँ पर हमेशा माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से कितना माइनस थ्री यूनियन और माइनस टू से यानी कि फाइव यूनियन और फाइव से कितना हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर यूनियन क्यों आ रहा है, जब एक से ज्यादा सेट, देखिए जब हम समुच्चय ज्ञात करते हैं ए बराबर या बी बराबर कुछ मान लेते हैं तो वहां पर यूनियन निकालते हैं, तो उस संघ में सभी को ऐड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये तीन अंतराल हैं, तो तीन अंतरालों को एक साथ कोऑपरेट करने पर आप इस टाइप से लिखेंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री और माइनस टू से फाइव और फाइव से इनफाइनाइट। इसी प्रकार फोर टाइप की जो असमीका है आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर ये लेस देन जीरो आ जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप एक दो एग्जाम्पल कर लेना। और अगर ये चारों कंडीशन और पांच कंडीशन मैंने पहले बताई थी अगर ये आपको क्लियर हो गई हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे कैसे दिखाते हैं या किस अंतराल में आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।